हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा अपना कल का पेपर। तो कुछ बच्चों ने मुझे डाउट सेंड किए थे, वो तो डिस्कस करूंगा और बाकी मैं सोचा कि पूरा हर एक क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ द सम सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा रेज टू पावर एन प्लस आयोटा रेज टू पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये था हमारा। देन वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करें हम? अच्छा, तो मैंने इसमें क्या बताया था, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा था कि आई की अगर कोई मैंने चार कॉन्सिक्यूटिव पावर्स का एडिशन लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने लिखा आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 5, दिस विल कम आउट टू बी 0। मतलब आई की कोई भी चार कॉन्सिक्यूटिव पावर्स करी और हमने उसको ऐड किया तो आई विल गेट 0। क्यों आता है ऐसा? बिकॉज इफ यू विल टेक कॉमन देन यू विल गेट 1 माइनस आयोटा आयोटा एंड प्लस 1, दैट विल बी 0। तो हम ध्यान से देखें ना, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 13 की, तो चार चार के कितने पेयर बनेंगे? तीन पेयर कंप्लीट बनेंगे। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैंने पहले मैं इसको सेपरेट लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 1 to 13 प्लस सिग्मा आई रेज टू पावर एन प्लस 1, एन इज इक्वल टू 1 to 13। तो 1 से 13 अब तो हमने कितने पेयर बनेंगे? चार कंप्लीट पेयर, चार चार के तीन कंप्लीट पेयर बनेंगे, तो उनका एडिशन तो 0 हो जाएगा। तो हमारी क्या बने, क्या बचेगा? या तो n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ले लो या फिर n इज इक्वल टू 13, एक बचेगा, या तो पहला या आखिरी टर्म, बाकी सारे क्लब हो जाएंगे। तो लेट्स से n इज इक्वल टू 1 वाला बचेगा, तो वो हो गया आयोटा प्लस इधर मेरे 0 0 0, ये तीन जीरोस आएंगे। किसके लिए लिखे मैंने ये 0? i इज इक्वल टू 2 से लेके 13, चार चार के पेयर बनेंगे। प्लस सिमिलरली हियर आल्सो मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आयोटा स्क्वायर हो गया और बाकी के लिए चार पेयर बनेंगे, तीन पेयर, that will be 0. तो finally what we are getting? Iota minus 1. Very simple. ठीक है ना? पहले भी हुए इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो अगर कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का डाउट था, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई होल पावर 1/5 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी and u is given as x upon a minus y upon b. Then we have to find the options. A minus b is factor of u, a plus b is the factor of x and so on. So let's find u in terms of a and b. तो मैंने क्या किया, इस 1/5 को पावर को इधर लेके गया, तो मेरा क्या आ जाएगा, x plus iota y, या तो ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोलो कि मैंने दोनों साइड 5 पावर रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, a plus iota b की पावर 5। ठीक है, अब हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या आएगा, 5c0 a की पावर 5 प्लस फिर क्या आ जाएगा, 5c1 a की पावर 4 और आयोटा b की पावर 1, तो हो जाएगा आयोटा और इधर बचेगा b। ठीक है, फिर आएगा प्लस 5c2 a क्यूब और आयोटा b का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, तो ये लिख देता हूँ माइनस b स्क्वायर। फिर आएगा 5c3, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ 5c3 a स्क्वायर और iota b का क्यूब, तो वो जाएगा माइनस iota b क्यूब। एंड सेकेंड लास्ट टर्म प्लस 5c4 a इंटू iota b की पावर 4, तो iota की पावर 4 इज 1, b की पावर 4 इज b की पावर 4। एंड लास्टली 5c5 a की पावर 0 iota b की पावर 5, that is iota b की पावर 1, sorry, iota की पावर 1 into b की पावर 5, so that is iota b की पावर 5। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन ये वाला। अब क्या करें, अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर कर देते हैं, विल इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इधर से x की वैल्यू क्या जाएगी मेरी, इधर से रियल पार्ट एक तो ये है, एक ये है, और हमारा और क्या बचा, ये बचा, ठीक है ना, देख लो बाकी और कुछ तो नहीं बच रहा, 0 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो ये हो गया 5c0 इज 1, तो हो जाएगा a की पावर 5, फिर ये हो गया माइनस 5c2, 5c2 इज 10, तो माइनस 10 a क्यूब b स्क्वायर, एंड दिस इज 5c4 इज 5 a b की पावर 4। अब मैं iota का कोफिशिएंट इक्वेट करता हूँ दोनों साइड, तो इधर क्या आएगा y, एंड हियर वी विल गेट 5c1 इज 5 a की पावर 4 इंटू b, फ्रॉम हियर इट इज माइनस 5c3 माइनस 5c2 विच इज 10, तो जो क्या माइनस 10 a स्क्वायर b क्यूब
एंड लास्टली फ्रॉम हियर 5C5 is 1 तो वी आर गेटिंग प्लस बी की पावर 5, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में उसने क्या लिखा है, उसने x नहीं लिखा है, इधर x बाय a लिखा है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, x बाय a बनाने के लिए मैंने इधर से a कॉमन लिया और इसके नीचे लेके गया, तो मैं इधर ही रब कर रहा हूँ, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना भले, मैं इधर से a कॉमन लेके इसके नीचे भेज रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू जनरेट x बाय a। तो ये हो जाएगा a की पावर 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर एंड दिस इज सॉरी ये तो b की पावर 4 है ही, ये हमारा a इधर से चला जाएगा और ये हो जाएगा x बाय a। सिमिलरली इधर मुझे y अपॉन b चाहिए, तो इधर से मैंने b कॉमन लेके इसके नीचे भेज दिया, तो ये b इधर से गायब हो गया, ये b स्क्वायर बचा और ये b की पावर 4 बचा, इधर मेरा आ गया b। अब मुझे u क्या हो गया मेरा फाइनली, इन दोनों का डिफरेंस x अपॉन a माइनस y अपॉन b। तो मैं इसको डिफरेंस ले लेता हूँ, तो देखो व्हेन यू विल डिफरेंस दिस, अब देखो ध्यान से जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 5 बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो 4 बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस 5 ए की पावर 4, तो माइनस 4 ए की पावर 4, इधर से मैंने 4 कॉमन लिया, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ माइनस 4 टाइम्स ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब देख लो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 में a माइनस b आता है, एंड यू विल यूज दिस माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड फर्दर यू विल राइट दिस एज, मैं इधर लिख देता हूँ इस वाले स्टेप को, तो माइनस 4 टाइम्स a माइनस b इनटू a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज व्हाट माय u, u को मैंने सिंपलीफाई किया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो मेरा अभी ऑप्शन ए क्या है, ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ यू विच इज करेक्ट, देखो ए माइनस बी आ रहा है मेरे इसमें, ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ दिस यू, ठीक है। तो ठीक क्वेश्चन था, मेंस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा अगर मेंस में आता है तो कॉपी करो इसको, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो थर्ड वाला भी पहले हमने कर चुका है, ठीक है ना, शीट्स वगैरह में किया था कि लेट z1 z2 z3 आर द रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ z नॉट बी द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल देन z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो हमें पता है इक्विलेटरल है सर्कमसेंटर और तो सेंटर एंड सेंटर वगैरह सब एक ही जगह होगा, तो डायरेक्टली आई कैन राइट z0 दैट इज माय सर्कमसेंटर दैट विल बी नथिंग बट सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड क्या होता है सम ऑफ वर्टिसेस डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बी z1 प्लस z2 प्लस z3 होल डिवाइडेड बाय 3। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 3z0। अब मैंने स्क्वायर किया इसको तो आई विल गेट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ सिग्मा z1 z2 इज इक्वल टू 9z0 स्क्वायर। अब क्या करें, अब याद करो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पढ़ा था z0 स्क्वायर इज इक्वल टू हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पढ़ा था z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा z1 z2, ठीक है ना। कैसे आता था ये रिजल्ट, फॉर एग्जांपल ये मेरे वर्टिसेस हैं z1 z2 z3, ठीक है ना, कोई भी दो ये उठाया मैंने साइड्स, इसको रोटेट कर मैंने इधर एक बार रोटेशन थ्योरम लगाया, मतलब z1 माइनस z2 फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर z3 माइनस z1 इज इक्वल टू e रेज़ टू आयोटा π/3 सॉरी, और सिमिलरली एक बार इन दोनों में लगा दिया रोटेशन, फिर एलिमिनेशन से विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है ना, आयोटा एलिमिनेट कर देंगे वो π/6 थीटा वाला पार्ट, तो विल गेट दिस रिलेशन। तो उसको मैं डायरेक्टली इधर यूज कर रहा हूँ, तो देखो इसकी वैल्यू उठा के इधर से मैं उठा के इधर रख देता हूँ, तो मेरा ट्वाइस ऑफ सिग्मा z1 z2 दे रखा है, तो ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9z0 स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूफ। तो ये 3 इधर चला गया 3z0 स्क्वायर, आई होप समझ में आया होगा। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, कॉपी करते जाना, ठीक है ना, मैं बोलूँ ना तो भी एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो कॉपी कर ही लेना नोट्स में जो तुम लोगों के एग्जाम में गलत हुए, ठीक है, जो सही हुए हैं वो करना है नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी है, बट अगर जो गलत हुए हैं यू शुड कॉपी दैट इन द नोट्स। हाँ फोर्थ वाला भी बहुत से बच्चों का डाउट था, z1 z2 एंड एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पहले हो चुका है, पहले टेस्ट में भी आ चुका है z1 z2
एंड इट इज 1 माइनस आयोटा इंटू जेड वन प्लस आयोटा जेड टू. लेट्स मैं इसको नेम कर देता हूँ ए बी सी. देन वी हैव टू टेल वेदर द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल आइसोसेलस राइट एंगल एंड सो ऑन. तो देखते हैं, मैंने बोला कि जो ए बी साइड है, ए बी साइड क्या हो जाएगी मेरी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. ठीक है, अच्छा. और मेरा ए सी साइड निकाले थे, ए सी का मैग्नीट्यूड दिस इज दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, या फिर दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर वन एंड द सेम थिंग, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड वन माइनस वन माइनस आयोटा इंटू जेड वन प्लस आयोटा जेड टू. जस्ट अ मिनट, ठीक है. ओके, तो अभी हम कहाँ थे, ए इज जेड वन बी इज जेड टू सी इज वन माइनस आयोटा इंटू जेड वन प्लस आयोटा जेड टू. तो इधर से देखो ध्यान से, जेड वन कैंसिल आउट हो रहा है, व्हाट यू विल गेट हियर इज आयोटा जेड टू, और ये हो गया मेरा, एक मिनट जस्ट अ सेकंड. वन माइनस आयोटा इंटू जेड वन प्लस आयोटा जेड टू, और ये मेरा जेड टू जेड वन. तो जेड वन माइनस जेड टू करेक्ट है, इधर से मैंने जेड टू को लिया आयोटा जेड टू जेड वन माइनस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, जब मैंने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी माइनस होगा, माइनस आयोटा जेड टू. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो ये मेरा हो गया फाइनली, ये जेड वन इस जेड वन से कैंसिल हो गया, तो व्हाट आई विल गेट हियर इज मॉड ऑफ आयोटा जेड वन माइनस आयोटा जेड टू. देखो ध्यान से, एंड दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ आयोटा इंटू जेड वन माइनस जेड टू, एंड वी नो मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू, सो दिस विल बी मॉड ऑफ आयोटा इंटू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, एंड दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू. तो यू कैन सी ए बी और ए सी बराबर आ रहे हैं हमारे, तो ये तो पक्का हो गया कि आइसोसेलस है. अब हमें और क्या प्रूफ करना है, कि इट इज राइट एंगल अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन. अगर आइसोसेलस से अगर राइट एंगल भी प्रूफ कर दिया तो फर्दर वी विल नॉट गो टू द अदर ऑप्शंस. अभी तक मतलब एज ऑफ नाउ हम, हमारा सी ऑप्शन तो करेक्ट है, बट ए भी हो सकता है. ठीक है ना, सी तो करेक्ट है ही, बट ए अगर राइट एंगल ऑफ प्रूफ हो गया तो फिर हम ए पे, ए ऑप्शन पे जाएंगे. ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखो कि अब मैं ए सी वेक्टर को, इसको मैंने ए सी का मैग्नीट्यूड ना लिख के ए सी वेक्टर देखा, ए सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, मॉड हटा दूंगा बस, तो ये मेरा आ जाएगा आयोटा इंटू जेड वन माइनस जेड टू, और जो मेरा ए बी वेक्टर है दैट इज नथिंग बट जेड वन माइनस जेड टू. नाउ कैन यू सी आयोटा क्या करता है, हमारा वेक्टर को 90 डिग्री से रोटेट कर देता है, विच इज ई रेज टू आयोटा पाई बाई टू. तो ए बी और ए सी के बीच में एंगल कितना है, 90. तो इन दोनों को कंबाइंडली रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलस प्लस राइट एंगल. ठीक है, चलो बाकी एक और तरीका है, इंस्टेड ऑफ रोटेशन व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी सी वेक्टर. ठीक है ना, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो तुम्हारा अप्रूव हो जाएगा, ऐसा अप्रूव हो जाएगा. मेथड टू बता रहा हूँ मैं, दैट यू कैन ट्राई, बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ठीक है, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, बट मैंने ये रोटेशन से प्रूव कर दिया, इट इज राइट एंगल, अदरवाइज तो पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो. ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करना इसको. ये भी बच्चों का डाउट था थोड़ा, फिफ्थ क्वेश्चन, z इज रूट थ्री माइनस आयोटा बाय टू, देन वी हैव टू टेल आयोटा रेस टू पावर 101 प्लस z रेस टू पावर 101 होल पावर 103. ठीक है, अच्छा. तो अब इसको ध्यान से देखो, रूट थ्री माइनस आयोटा बाय टू, अब कुछ स्टैंडर्ड चीज समझ में आ रही है, जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से इसको रिलेट करने का सोचो, एक बार वीडियो पॉज करके जस्ट Try to convert this in terms of omega या omega square and so on. तो अब मैं क्या, देखो अब हमें पता है कि omega क्या होता है basically. देखो अब मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा omega is minus 1 plus root 3 iota by 2. तो इसी टाइप की चीज दिख रही है, लेकिन iota root 3 के साथ आ रहा है, और इधर मेरा iota अलग आ रहा है, root 3 अलग आ रहा है. तो मैं
आयोटा के साथ रूट थ्री चाहता हूँ, तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ओमेगा स्क्वायर भी लिख लेते हैं बाजू में, जो जिसमें भी ये कन्वर्ट हो जाएगा उसको लिख लेंगे, माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू, ठीक है। अब इधर रूट थ्री माइनस वन बाय, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर रूट थ्री के साथ आयोटा चाहिए ना मुझे इन दोनों में, तो मैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आयोटा इंटू रूट थ्री माइनस, इधर आयोटा था तो आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन, तो ये प्लस वन हो गया डिवाइडेड बाय आयो टू आयोटा। और नहीं तो एक काम करो, ठीक है चलेगा, अब मैं इस आयोटा को ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, तो आयोटा आयोटा, तो ये हो गया आयोटा इंटू रूट थ्री आयोटा प्लस वन डिवाइडेड बाय ये टू हो गया और माइनस का। अच्छा अभी मेरा 30 सेकेंड, आयोटा सब देखो, अब मैं आयोटा को बाहर रहने दे रहा हूँ, मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस रूट थ्री आयोटा माइनस वन डिवाइड बाई टू, देखो नाउ सी ये हमारा जनरेट हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, जेड इज व्हाट आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है अगेन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ जो मेरे को बोला, अब तो बहुत इजी पार्ट है, आयोटा के पावर 101, तो मुझे पता है आयोटा की 4 का मल्टीपल हटाते जाते हैं तो क्या बचेगा 100, आयोटा के पावर 100 प्लस 1, तो 100 तो गायब हो जाएगा, तो वी विल गेट आयोटा प्लस जेड की पावर 101, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 101, ओमेगा की पावर स्क्वायर है तो 102, इसका होल पावर 103। अब आयोटा की पावर 101 इज अगेन आयोटा, तो मैं यहीं हटा रहा हूँ आयोटा। अच्छा ओमेगा की पावर 202, और मुझे पता है 3 का मल्टीपल हटा सकते हैं, तो 201 तक हटाया, तो ये क्या बचेगा ओमेगा, तो आई रिमूव दिस पार्ट। अब इसमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, पावर 103 है तो बाहर क्या बन के आएगा, आयोटा की पावर 103, अंदर बनेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 103। नाउ आयोटा की पावर 103 अगेन इट इज आयोटा की पावर 100 हट गया, आयोटा की क्यूब विच इज माइनस आयोटा, और 1 प्लस ओमेगा को लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज सम ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 103। अच्छा माइनस की पावर ऑड पावर है, तो एक माइनस बाहर आएगा और एक माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया आयोटा और ओमेगा की पावर 206। अब अगेन 3 का मल्टीपल हटाएंगे तो 204 हट जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट आयोटा ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट माय जेड। तो एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, इसको जरूर नोट्स में कॉपी कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जो ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जो डाउट्स नहीं है उनको मैं फास्ट गो थ्रू करूंगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल 6th वाला, ये किसी का डाउट नहीं था, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अपन ने पढ़ा है वो 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, अल्फा की पावर एन माइनस 1 इज 0, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो 1 प्लस, अब अल्फा क्या होता था e रेज टू आयोटा 2 पाई बाय n, एंड दैट इज नथिंग बट cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय n प्लस, सिमिलरली अल्फा स्क्वायर हो जाएगा cos 4 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 4 पाई बाय n प्लस एंड सो ऑन, तो दिस इज 0, तो फिर हम क्या करते थे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट 0 करते थे, तो इससे क्या आ जाएगा sin आयोटा का कोएफिशिएंट क्या आएगा sin ऑफ, फ्रॉम दिस इक्वेशन वील गेट टू रिजल्ट, ये अपने नोट्स में किया है 2 पाई बाय एन प्लस साइन 4 पाई बाय एन एंड सो ऑन, दिस इज 0, एंड कॉस के साथ क्या आएगा 1 एक्स्ट्रा आएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय एन प्लस कॉस 4 पाई बाय एन एंड सो ऑन, दिस इज 0, सो यूज दिस फैक्ट। अब उसने क्या रखा सिग्मा साइन 2 के पाई बाय 7, वो तो 0 हो जाएगा, दिस इज सिग्मा साइन 2 के पाई बाय 7, तो ये 0 हो जाएगा, और जो cos 2 के पावर 7 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा और सिग्मा cos 2 के पाई बाय 7, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 उधर चला जाएगा माइनस 1, तो दिस इज माइनस, तो व्हाट यू विल गेट सिंपली आयोटा, ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा इज सिंपली आयोटा, और बाकी एक और तरीका है इसको आयोटा कॉमन लेके पूरे एक्सप्रेशन से, तो वो उसमें कन्वर्ट करना है e रेज़ टू आयोटा थीटा वाले पार्ट में, ठीक है ना, दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इजी था, किसी ने पूछा नहीं, हालांकि फिर भी मैंने बता दिया।
चलो क्वेश्चन नंबर 7. तो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, फिर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी. तो जनरल टर्म लिखते हैं इसका. तो जनरल टर्म चलो तो मैं इसको लिख लेता हूँ सिग्मा के फॉर्म में. सिग्मा आर माइनस 1 इंटू आर माइनस ओमेगा इंटू आर माइनस ओमेगा स्क्वायर वेयर माय आर गोज फ्रॉम 2 टू एन. देखो एक बार वैल्यू विल पुट 2 व्हाट यू विल गेट 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू विल पुट 3 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड लास्टली व्हेन यू विल पुट n यू विल गेट n माइनस 1 n माइनस ओमेगा n माइनस ओमेगा स्क्वायर. अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इसमें एक ट्रिक है. एक तरीका तो क्या है, हम इसको ओपन करें. ठीक है ना, सिंपलीफाई करोगे ओमेगा की प्रॉपर्टीज लगाओगे तो एक एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो जाएगा. बट अगर हमें ध्यान हो ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है हमने? z की पावर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसके रूट्स होते थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. और मुझे पता है किसी भी पॉलीनोमियल के अगर 3 रूट्स हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते थे, कैसे लिखते थे, z क्यूब माइनस 1 इज z माइनस 1 इंटू z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो बस यही चीज़ उठा के दे रख दो. तो ये बेसिकली इतना दिखने में इतना बल्कि लग रहा है एंड दैट गेट सिंप्लीफाइड टू वॉट. अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, तो जो जाएगा जेड क्यूब मतलब जेड की जगह मेरा आर क्यूब माइनस 1, ये समझ में आ रहा है. ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब देखो अब तो सिंपल है. अब देखो मैं आर इज इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ. द रीजन इज 1 के करस्पॉन्डिंग मेरा इधर टर्म क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 1 क्यूब माइनस 1. तो इंस्टेड ऑफ 2 आई विल पुट हियर 1. रीजन इज व्हाट, क्योंकि हम इधर स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा आर क्यूब. आर गोज फ्रॉम 1 टू n, क्या होता था n इनटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर. तो अब मैं इधर क्या हो जाएगा, इसको मैंने ब्रेक किया सिग्मा आर क्यूब माइनस सिग्मा 1 एंड दिस विल बी n इनटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस n. दैट्स सिंपल. तो इधर ट्रिकी पार्ट ये था, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है ना, बट देखो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो तुम्हें ये नहीं पता ये क्लिक नहीं किया तो हम नहीं कर सकते, कर सकते हो. उसके लिए बस तुम्हें इधर क्या करना पड़ेगा, मैंने ओपन दीज थ्री ब्रैकेट्स ना, सो यू हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा टू गेट टू सिंप्लीफाई दिस इनटू दिस. इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ओमेगा की प्रॉपर्टीज लगेंगी. कौन कौन सी लगेंगी? एक तो लगेगा ओमेगा क्यूब इज 1, एक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इस प्रॉपर्टीज का यूज करके दिस विल गेट सिंप्लीफाइड टू दिस. और अगर क्लिक करता है तो हमारा चुटकियों में हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, 8th वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं. 9th वाला भी बहुत इजी है बट फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ. 9th वाला, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मॉड ऑफ आयोटा जेड माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2. तो मुझे पता है कि कभी भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस डील करते हैं तो हमें इधर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट चाहिए होता है. तो मतलब आई मीन टू से कि जेड का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है. तो मैंने क्या किया, इधर से आयोटा कॉमन लिया तो इट विल आयोटा कॉमन लूंगा तो जेड माइनस 1 बाय आयोटा मैग प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2. अब मॉड ऑफ जेड, इसको अगर मैं जेड 1 बोल रहा हूँ इसको जेड 2 बोल रहा हूँ तो मॉड ऑफ जेड 1 इंटू जेड 2 इज मॉड जेड 1 इंटू मॉड जेड 2. तो मॉड ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा, 1. तो मेरा ये खत्म हो जाएगा. Now reduces to this. अगर मैंने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो what I will get z plus iota का mod plus mod of z minus iota equals to 2. अब बहुत ईजी है. अब याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा है. बेसिकली ये लैंग्वेज फॉर्म में अगर मैं इसको रीड करूँ तो क्या बोल रहा है, z इज अ पॉइंट जिसका डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम iota एंड माइनस iota इज 2. तो इफ यू प्लॉट iota विच इज 0,1 एंड माइनस iota विच इज 0,-1, बोल रहा है जेड एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंसिस का सम फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज 2. तो दैट इज नथिंग बट दिस लाइन सेगमेंट. इस पर अगर कोई भी पॉइंट लोगे, लेट से मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो इसका इससे डिस्टेंस प्लस इसका इससे डिस्टेंस दैट विल बी 2. ठीक है ना, बाकी हमने ये चीज उधर कवर की थी इलिप्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ठीक है, हाँ एक 10th वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी बहुत से बच्चों का डाउट था 10th वाला. उसने देखा है मॉड जेड इज 1 और दे रखा है W इज z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1. देन वी हैव टू टॉक अबाउट रियल पार्ट ऑफ
W. अच्छा अब देखो अब ध्यान से इसमें हम स्टार्ट कैसे करें सच क्वेश्चंस। तो एक बार ऑप्शन की तरफ हमने देखा कि सभी के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, मॉड ऑफ जेड प्लस वन का स्क्वायर लिखा है। अच्छा तो मैंने कहा मॉड ऑफ जेड प्लस वन का स्क्वायर कैसे जनरेट हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कैसे जनरेट हो सकता है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें देन व्हाट आई विल गेट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो सेम थिंग अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे नीचे जेड प्लस वन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो व्हाट आई विल मल्टीप्लाई इट विद, कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस वन एंड दैट इज नथिंग बट जेड बार प्लस वन। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला ध्यान रखना, z प्लस हर एक ऑप्शन में ये दे रखा है मॉड ऑफ z प्लस वन का स्क्वायर दे रखा है, तो वो कैसे जनरेट होगा, जब मैं ऊपर नीचे z प्लस वन के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और z प्लस वन का कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार प्लस वन। तो मैंने क्या लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू z माइनस वन इंटू z बार प्लस वन अपॉन z प्लस वन इंटू z बार प्लस वन। अब डिनोमिनेटर तो बन गया हमारा, क्या बन गया डिनोमिनेटर, मॉड ऑफ z प्लस वन का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को ओपन करते हैं, तो z z बार प्लस z माइनस z बार माइनस वन। अच्छा अब देखो अपनी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी बची हुई है हमारी, ये यूज़ नहीं की अभी तक हमने, तो मॉड z इज वन, तो z और हमें पता है z z बार इज व्हाट, मॉड z का स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट वन, ये वन और ये माइनस वन कैंसिल आउट हो गए न्यूमरेटर में, क्या मन, चलो एक बार लिख लेते हैं, z माइनस z बार अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस वन का स्क्वायर, एंड वी नो दैट जेड माइनस जेड बार क्या होता है, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, याद है ना, जेड माइनस जेड को अगर मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा तो मेरा जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, व्हेन यू विल सबट्रैक्ट दीज टू व्हाट यू विल गेट, टू आयोटा वाई विच इज नथिंग बट प्योरली इमेजिनरी। तो अगर मेरा ओमेगा प्योरली इमेजिनरी आ रहा है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो, उसने रियल पार्ट ही पूछा है, तो दिस इज व्हाट माय जीरो। Got it? चलो और आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते जाना, एंड कल से डिटर्मिनेंट भी हमारा, डिटर्मिनेंट भी इसके साथ साथ हमें करना है, ठीक है ना। अभी हमारा डिटर्मिनेंट चलेगा, और अगर मान लो तुम्हारे ऑफलाइन स्टार्ट, वैसे प्लान मेरा वेक्टर्स का था, बट क्या है कि वेक्टर्स को थोड़ा समझाने के लिए फिजिकली प्रेजेंट हों बच्चे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब ठीक है, तो इसलिए मैंने अपना प्लान थोड़ा चेंज किया, पहले स्केड्यूल मैंने वेक्टर ही ऐड किया था स्टार्टिंग में, बट ड्यू टू दिस कोरोना वायरस एंड ऑल तो क्या हो गया, अपने क्लासेस लग नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले हम डिटर्मिनेंट कर देते, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जरूरत नहीं है टीचर का सामने होना, तो मैंने कहा वो ऑनलाइन में भी कवर अप हो जाएगा, तो जैसे ही ये लॉकडाउन वगैरह हटता है तो उसके बाद फिर अपन वेक्टर स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम ठीक है ना, तो एज ऑफ नाउ आफ्टर दिस पेपर डिस्कशन हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। चलो तो 11th क्वेश्चन, तो सम ऑफ द सीरीज 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये तो बहुत इजी है ठीक है ना, जस्ट मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ, हम लोग बाकी कर लेना, तो जनरल टर्म दिख रहा है अभी 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा आर, और ये क्या लिखा है 3, 5, 7 अपना क्या नाम है ऑड नंबर्स, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है 2R+1, इसका स्क्वायर दे रखा है बस, दिस इज व्हाट सिग्मा। अब तो मैं क्या करना है बस ये, अब तो सिंपलीफाई दिस और उसके बाद वाली वो चीज़ें यूज़ कर लेना, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब एंड जस्ट सिंपलीफाई, पुट n इज इक्वल टू 20। चलो आगे बढ़ते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP देन n इक्वल्स, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो आई विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है ना, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड दैट्स इट फॉर दिस 12th क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये भी बहुत बच्चों का डाउट था, इजी है क्वेश्चन, AMGM लगाना था बस, क्योंकि सम दे रखा है प्रोडक्ट टाइप की चीज, मतलब तो क्लिक करना चाहिए, वैसे हम बहुत से बच्चों ने ये डाउट पूछा, हालांकि पूछने वाला नहीं था, उसने क्या दे रखा है कि A1, A2 अप टू AN इनका प्रोडक्ट इज C, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो देखो कभी भी मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन आएंगे तो एक तरफ हमारा माइंड डाइवर्ट होना चाहिए, किसी तरफ AMGM की तरफ, तो उसने ऑलरेडी दे दिया कि इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, अब मुझे सम के बारे में पूछा है, सम की मिनिमम वैल्यू तो क्या लगाएंगे, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाएंगे, तो मैंने बोला अब मैं AMGM किस पे लगाऊं, तो मैं देखना किस पे लगा रहा हूं, A1 A2 A3 अप टू AN-1 और 2AN। अब देखना ध्यान से देखो, ये मैं एक सिंगल नंबर ले रहा हूँ, मैं AN नहीं ले रहा, लास्ट नंबर को 2AN ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं, इनका सम
डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं ये टोटल, एन नंबर है, एन प्लस वन नहीं, अगेन डोंट मेक अ मिस्टेक, मैं इधर इसको एक सिंगल नंबर ले रहा हूँ, लेट से मैं कैपिटल ए एन बोल दे, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय एन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज क्या हो जाएगा, ए वन ए टू अप टू ए एन माइनस वन, और इधर जाएगा टू ए एन, दिस इज प्रोडक्ट होल पावर वन बाय एन, दैट्स इट। अब मुझे क्या पूछा था, इस सम जो न्यूमरेटर दे रखा है इसी की मिनिमम वैल्यू, तो इसको एक साइड ले जाते हैं, एन को उधर ले जाते हैं, तो मेरा आएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एंड सो ऑन टू ए एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन टाइम्स। अब देखो ए वन ए टू ए एन माइनस वन टिल ए एन, इसको तो मैं सी रख सकता हूँ, तो दी क्या हो जाएगा टू सी, टू तो ऑलरेडी है, और बाकी जो नंबर्स लिखे उनका प्रोडक्ट है सी, तो जाएगा टू सी होल पावर वन बाय एन, क्वेश्चन खत्म। एक ही लाइन का क्वेश्चन था ये, बस क्लिक करना चाहिए कि ए एम बी एम लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी, बट फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा है ये, क्या दे रखा है ए बी सी आर इन ए पी, तो टू बी इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और एक और ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी, ये एक दे रखा है, और दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री बाई टू, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ से ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए प्लस सी इज टू बी, तो मैंने इन दोनों को टू बी रखा, तो टू बी प्लस बी थ्री बी, थ्री बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो बी की वैल्यू मेरी आ गई हाफ, ये तो आई होप सबने किया होगा। अब हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहे जी पी, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, बी की पावर मिडिल वाले का स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो इधर से मेरा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस ए सी, ठीक है। अच्छा अब मेरा फिर मेरा इधर से आ गया ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, एंड बी बी इज हाफ, तो दिस इज प्लस माइनस वन बाय फोर, ठीक है। और ए प्लस सी पता है क्या मुझे, हाँ ए प्लस सी भी पता है इस इक्वेशन से, बिकॉज बी निकाल चुका ना मैं, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट ए प्लस सी इज इक्वल टू आई थिंक वन हो गया ये, बस अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस लो इधर, एक बार माइनस लो, और फिर ए और सी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसके बाद कर लेना, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। 15th वाला, ये तो पूछने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, जिसने ही पूछा, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट फेयर, बहुत मतलब इतना पढ़ाने के बाद अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई डोंट नो क्या किया जाए, खैर जो भी है बताता हूँ मैं। सम इनफाइनाइट जीपी बताया था ना, इनफाइनाइट जीपी मान लो ये ए ए आर ए आर स्क्वायर, कब हम सम निकाल सकते हैं इनफाइनाइट जीपी का, जब ये सीरीज कन्वर्ज करे, और कन्वर्ज कब करती है, जब उसका जो कॉमन रेशियो है दैट उसका मैग्नीट्यूड हैज़ टू बी लेस देन वन, तो बस हमें क्या करना है उस, तो मैंने मान लिया, अच्छा फर्स्ट सम ऑलरेडी दे दिया x, a अपॉन वन माइनस आर होता है इनफाइनाइट जीपी का सम, उसने ये दे रखा है दिस इज फाइव, अच्छा ठीक है, तो मुझे x की रेंज निकालना है, तो पहले मैं इधर से r निकाल लेता हूँ, फिर मैं क्या यूज़ फैक्ट यूज़ करूँगा, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन, तो इधर से मैंने x अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन माइनस r, तो r इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाय फाइव, अब क्या करना है इसमें रख देते हैं, तो मॉड ऑफ वन माइनस एक्स बाय फाइव इज लेस देन वन। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स इनइक्वालिटीज, किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वन से कम है तो वो क्वांटिटी क्या होना चाहिए, माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए, मतलब वन माइनस एक्स बाय फाइव दिस हैज़ टू बी लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन, अगर ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ये क्वांटिटी का माइनस वन और वन के बीच में है तभी उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन वन, अपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ से क्या आया मेरा, माइनस एक्स बाय फाइव इज लेस देन जीरो ग्रेटर देन माइनस टू, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो जो जाएगा टू, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, एक्स बाय फाइव ग्रेटर देन जीरो, फाइव से मल्टीप्लाई किया तो इधर आया हमारा टेन ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन टेन, दैट इज माई बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ए जी पी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज फाइव टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, चलो ये भी देख लेते हैं, ए जी पी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो लेट्स से ए वन ए टू अप टू ए टू एन, इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले ली मैंने, इफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या हो जाएगा, ए वन इंटू कॉमन रेशियो मान लिया आर है,
ठीक है, तो यह जाएगा आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दिस इज 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, मतलब a1 इधर, लेट से a3 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने केवल ऑड टर्म्स ली तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल 2n थी तो n हो जाएंगी नंबर ऑफ टर्म्स। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नई जो दूसरी सीरीज है ना हमारा a1 a3 a5 एंड सो ऑन a2n-1, इसमें कॉमन रेशियो विल बी आर स्क्वायर। अगर इसका कॉमन रेशियो आर है तो इसका आर स्क्वायर होगा, क्योंकि खुद देखो ना एक a3 अपॉन a1 क्या होगा, आर स्क्वायर। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आर स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, बस ये खत्म हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इधर मेरा a1 भी था तो a1 कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू आर गेटिंग, आर स्क्वायर माइनस 1 इज 5 टाइम्स आर माइनस 1, इसको लिख लिया आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 इज 5 टाइम्स आर माइनस 1, तो आर इज 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी डी आर इन ए पी, ए बी सी डी आर इन ए पी, देन वी हैव टू शो कि ये किस में है, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी। ठीक है, चलो तो ए बी सी डी ए पी में है, तो देख रहे हैं अब ये मैं इधर एक एक टर्म दे रखा है, इधर तीन तीन है, तो मैं कैसे सोचूंगा कि मैं एक काम करता हूँ ए बी सी डी से डिवाइड कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर कोई नंबर्स या कोई सीरीज ए पी में है तो उस सीरीज के हर एक नंबर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे द सीरीज विल रिमेन इन ए पी ओनली। मैंने क्या किया ए बी सी डी से इसको डिवाइड कर दिया, तो जो जाएगा 1 अपॉन बी सी डी, 1 अपॉन ए सी डी, 1 अपॉन ए बी डी एंड 1 अपॉन ए बी सी, दिस विल बी इन ए पी। अब ध्यान से देखो ये नंबर। अच्छा एक चीज़ और, जैसे अगर मैंने माना 2, 4, 6 मेरे ए पी में है, तो ऑफकोर्स 6, 4, 2 भी ए पी में होंगे, वी कैन रिवर्स, बस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल। तो इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए बी सी, 1 अपॉन ए बी डी, 1 अपॉन ए सी डी एंड 1 अपॉन बी सी डी, दिस आर इन ए पी। तो ये क्या लिखा है, इसके रेसिप्रोकल लिखे हैं। तो अगर ये नंबर ए पी में होंगे तो ये किस में होंगे, एच पी में। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 18th। अ सर्टेन नंबर इज इंसर्टेड बिटवीन द नंबर 3 एंड अननोन नंबर, एक 3 है एक अननोन नंबर है, लेट्स से वाई, अ सर्टेन नंबर इज इंसर्टेड एक्स, ये भी पता नहीं बच्चों ने क्यों पूछा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर इज इंसर्टेड बिटवीन द नंबर 3 एंड अननोन नंबर सो दैट द 3 नंबर्स फॉर्म एन ए पी, तो दीज 3 आर इन ए पी, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। अभी तक मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, सो वाई में एक क्वेश्चन आ गई। इफ द मिडिल नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 6, तो मतलब बीच वाला नंबर जो है वो 6 से कम किया था, x माइनस 6, 3 एंड y, दीज आर इन जी पी, तो इधर से क्या आया 3y इज इक्वल टू x माइनस 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। द अननोन नंबर कैन बी, अननोन नंबर मतलब मेरा क्या था, नंबर मतलब y निकालना है मुझे, तो कुछ नहीं इधर से x की वैल्यू उठा के इधर रख दो, y में क्वाड्रेटिक आएगी, यू विल गेट 2 वैल्यूज, और वो दो वैल्यूज आती हैं 3 और 7, 27, तो ऑप्शन में 3 दे रखा है तो इसलिए 3 करेक्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजरल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा पहले टेस्ट में कवर हो चुका है, ठीक है ना, फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। ए बी सी जी पी में दे रखे हैं, तो बी स्क्वायर इज ए सी। अच्छा अब ध्यान से देखो ये वाली क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक ये हमारी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0, और मुझे डी बाई ए प्लस ई बाई बी सॉरी कॉमा एफ बाई सी, इसके ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के इधर रख देता हूँ, तो जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए सी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मैंने लिखा रूट ए इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए एक्स रूट सी प्लस रूट सी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ बेसिकली मैं, ऐसे नहीं तो अलग तरीके से भी कर सकता हूँ वो, ठीक है कि हम इधर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर से क्या है 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस ac,
तो एंड वी नो वी स्क्वायर इज एसी के बराबर है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक के रिपीटेड रूट्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो वही मैं रूट निकाल रहा हूँ। तो ये क्या लिखा है, रूट ए एक्स प्लस रूट सी इसका स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू इधर से क्या आ गई, माइनस रूट सी बाय रूट ए। बस अब देखो उसने ऑलरेडी हमारे उसने क्या बोला है, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट था। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि इसका रूट इक्वल है और हमने रूट की वैल्यू भी निकाली, तो इसका मतलब ये वाला जो रूट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कॉमन रूट है ना। तो डी एक्स स्क्वायर मतलब सी बाय और टू ई एक्स, तो प्लस टू ई और एक्स की आगे माइनस, तो माइनस का रूट सी बाय रूट ए प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान से देखो, मुझे डी बाय ए चाहिए, तो इधर सी हटा दूँ मैं, सी हटाना मतलब कैसे मैथमेटिकली सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर सी हटाया, इधर सी आ गया, इधर सी आ गया। अब देखो एफ बाय सी भी आ गया, जनरेट हो गया मेरा, डी बाय ए भी जनरेट हो गया। तो बस इधर इसको हम थोड़ा करेंगे मैनिपुलेट, सो दैट ये हमारा ई बाई बी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये रूट सी ए जैसी है, तो इधर से रूट सी हटा के इधर रूट आ गया, एंड रूट ए सी इज व्हाट बी, तो ये आके बी हट गया, तो देखो ई बाई बी आ गया। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, डी बाई ए प्लस एफ बाय सी इज इक्वल टू टू आईज ऑफ ई बाई बी, विच शोज दीज थ्री नंबर्स आर इन ए पी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी हमारा अरियंत की डीपीपी से है, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने डिस्कस। एसएन डिनोट्स द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एंड एसएन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म्स। तो मेरा ये सीरीज है 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस एंड सो ऑन। तो उसने देखा है एस माइनस एस एन इज लेस देन 1 बाय 1000, देन वी हैव टू फाइंड n का वैल्यू, ठीक है। तो s क्या होगा मेरा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज a अपॉन 1 माइनस r। तो पहले s निकाल लेता हूँ, a इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज हाफ, सो दिस इज 2, तो s तो आया मेरा 2। और sn क्या होता है मेरा, a विच इज 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a इज 1, 1 माइनस आर इज 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2। तो इधर से आया मेरा 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n और ये डिवाइड बाय 1 बाय 2, तो ये ऊपर जाके 2 माइनस एक मिनट 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ये मेरा आ गया एस एन। बस इस एस एन को और इस एस को उठा के इसमें रख दो, तो कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं, हो सकता है इसी के बाद बच्चों को डाउट हो। तो एस माइनस एस एन, तो 2 माइनस एस एन इज 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1, दिस इज लेस देन 1 अपॉन, ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 इज लेस देन 1 अपॉन 1000, इसको इधर लेके 1000 इज लेस देन 2 की पावर n माइनस 1। अब 2 की पावर n माइनस 1 1000 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये मेरा n माइनस 1 जो है वो मेरा 10 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज अगर 9 हुआ तो 2 की पावर 9 512, तो वो तो फिर मेरा 1000 से बड़ा नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स वॉट माई दिस n माइनस 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 10। फिर से n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 11। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ये तो अगेन 21 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हाँ 22 हम करते हैं, 22। तो एक दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इज 12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इज 5, देन वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ z1 माइनस z2। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायग्राम से विच इज इजी और एक और है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, तुम लोग एक बार ये वाला इनइक्वालिटी यूज करना, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस मॉड z2, इसका यूज करके एक बार तुम लोग ट्राई करना, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, मैं इसको भी डायग्राम से बता रहा हूँ बिकॉज दैट इज मच ईजियर।
तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको प्लॉट किया, मॉड जेड वन इज 12, दिस इज अ सर्कल सेंटर्ड ओरिजिन, रेडियस इज 12 यूनिट्स, सो दिस इज माय सर्कल, ठीक है ना। और जो मेरा दूसरा सर्कल है इसका सेंटर इज 3.4 एंड 3.4 है और रेडियस 5 है, तो द सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस। तुम लोग एक बार बना देख लेना बना के, ठीक है। मैंने इधर ओरिजिन से क्यों पास कराया, बिकॉज इसका जो रेडियस है ना 5, और ये 3.4 जो इसका सेंटर है, 3.4 का भी डिस्टेंस उससे क्या नाम है ओरिजिन से डिस्टेंस इज 5, ठीक है ना। और बाकी इसमें 3.4 ओरिजिन रखोगे ना, Z2 को 0.0 रखोगे तो इट विल बी सेटिस्फाइड, दैट मतलब ये जो सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आते हैं, अब हमारा क्या क्वेश्चन बोला उसने, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अच्छा, मॉड Z1 माइनस Z2 क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अब मुझे उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ आता है, अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, तो दैट विल बी अलॉन्ग दिस लाइन, अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, दिस इज द कॉमन नॉर्मल। और मुझे पता है नॉर्मल क्या होता है, दोनों के सेंटर से पास होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज माई मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, चलो मैं एक काम करता हूँ, नंबर निकालता हूँ, ए बी सी डी, तो मैं बोल रहा हूँ सी डी, दैट इज वॉट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्कल्स, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो ये क्या होगा, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, ए डी, मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी में से ये हटा देता हूँ, ए सी, ए डी में से ए सी हटा देता हूँ। अच्छा, ए डी क्या है बेसिकली, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल विच इज 12 माइनस, ए सी क्या है मेरा, छोटे सर्कल का डायमीटर, या फिर ट्वाइस ऑफ छोटे सर्कल का रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ 5 एंड दैट विल कम आउट टू बी 2, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैंने क्या बोला, इससे तो मैं ट्राई करना है, ठीक है ना, एक बार मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 यूज करके, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करके करना, अगर नहीं आता है तो पक्का पूछना। ओके, 23 इज अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी ने पूछा भी नहीं है, 24th भी किसी ने नहीं पूछा, बट एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा तो कर लेता हूँ डिस्कस। तो एन ए एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 31, तो 1 a1 a2 an-1 an and 31, ठीक है ना, एन ए एम्स मैंने इंसर्ट किए। तो उसने बोला द रेशियो ऑफ 7th a7 अपॉन an-1, दिस विल बी 5/9, सिंपल है, प्रोसीजरल है, आई मीन है तो ठीक क्वेश्चन, मतलब मेंस में आने लायक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मेंस में नहीं आ सकता है। चलो अब क्या करें, A7 निकालने के लिए पहले तो मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, b-a/n+1, तो 31-1/n+1, दिस इज माई कॉमन रेशियो एंड दैट इज 30/n+1। अब A7 क्या होगा, देखो A1 से सीरीज स्टार्ट होती तो हम लिखते फर्स्ट टर्म प्लस 6d, बट A7 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर A1 है, फिर A2 है, तो दिस इज व्हाट माय 1+7d, एंड नीचे वाला क्या हो जाएगा 1+n-1 into d, दिस इज व्हाट 5/9। देखना ये मत सोचना a+n-1 into d होता है तो ये 8th टर्म हो गया, नहीं, वो जब होता है जब A1 होता पहला फिर A2 होता, अभी 1 भी है ना हमारे इधर, ठीक है ना, बिकॉज जो A7 है ना वो बेसिकली इस सीरीज का 8th टर्म है, इस सीरीज का, अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया इसलिए मैंने 7d लिखा है, ठीक है ना। तो d की वैल्यू उठा के इधर रख दो, गेट द वैल्यू ऑफ n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। तो 25th, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्लास में ही कराया है ना। तो फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 or 5, तो क्या करना है, पहले तो मैंने 1 से लेके 100 तक का सम निकालूंगा, जस्ट मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फ्लो दे रहा हूँ, लेट्स से कि S1 आया, ठीक है। बट उसने क्या बोला है कि इनमें से वो सम नहीं चाहिए जो 3 और 5 के मल्टीपल है, वो नंबर्स इसमें नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने कहा 3 के मल्टीपल्स का सम क्या होगा, 3+6+up to 99, लेट्स से मैं S2 बोल रहा हूँ, और 5 वाले अलग लिख लेते हैं, 5, 10, 15 and so on till 100, दिस इज लेट्स से S3, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हमें ये नहीं लिखना है S1-S2-S3, दिस इज रॉन्ग, द रीज़न इज 3, 6 वगैरह में
और 5, 10, 15 में, इनमें क्या है ना, कुछ कॉमन टर्म्स भी है. फॉर एग्जाम्पल 15 विल कम आउट हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, तो वो तो दो बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब गड़बड़ है हमारा, इससे आंसर थोड़ा बड़ा आना चाहिए. तो हम क्या ऐड करेंगे, S1 - S2 - S3 तो करेंगे, प्लस एक टर्म ऐड करेंगे. कौन सा टर्म? सम ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 15, बिकॉज जो 15 के मल्टीपल्स हैं वो इन दोनों में काउंट हो चुके हैं. तो मैं एस, इसको लेट से S4 बोल देता हूँ. दिस इज वॉट 15 + 30 + एंड सो ऑन. सो इधर S4 आएगा, प्लस आएगा, याद रखना, बिकॉज ये वाले जो टर्म्स थे ना 15, 30, वो दो बार सब्ट्रैक्ट हो गए हैं और हमें करने थे एक बार. ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट दिस पेपर. और तुम लोगों ने नंबर्स भी सेंड नहीं किए हैं तो सेंड करो नंबर्स, पता तो चले मेरे को कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है. सेंड योर ट्रू मार्क्स, ठीक है ना, आई वॉन्ट योर ट्रू मार्क्स, भले कम हो चाहे जीरो हो चाहे नेगेटिव हो, बट आई वॉन्ट योर ट्रू मार्क्स. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस पेपर डिस्कशन. और अगेन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है फिर भी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो आज की आज पूछ लेना. ठीक है, ओके, थैंक यू.